बस नीचे कर लो, इसमें डाल दो कपड़ा। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ साक्षी सोनी। लगातार कोरोना के केस हिसार के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आकर के जानकारी दे दी है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी केसेस लगातार उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं जिस तरीके से पिछली बार मार्च के अंदर हाइक के ऊपर आया था कोरोना। लेकिन एक साल पूरा होने के बाद दोबारा से कोरोना की दूसरी वेव अब जो है हिसार के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर या फिर भारत के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि आ चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने कह दिया है कि अब आने वाले दिनों के अंदर लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, हम उसके पक्ष के अंदर नहीं है, लेकिन टीकाकरण लगातार उसी तरह से चलता रहेगा जैसे पहले चलता हुआ आ रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर इस वक्त मैं हिसार के पंजाबी धर्मशाला के अंदर मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं यहां पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जो कि पहले भी बताया गया था कि 22 मार्च को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव हिसार के अंदर चलाई जाएगी और लगातार इसके अंदर टीकाकरण यहां पर किया जा रहा है। जिसने पहला टीका लगवाया हुआ है उसको यहां पर दूसरा टीका लगाया जा रहा है और जिसने पहला नहीं लगवाया है उसको पहला टीका ही यहां पर लगाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल से हेल्थ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी यहां पर मौजूद है, उनके मेंबर्स भी यहां पर मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज जो है किन किन को टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर कोरोना की बात की जाए तो कल ही की बात है कि 16 केसेस हिसार के अंदर मिले हैं, उससे पहले 19 केस हिसार के अंदर मिले थे। तो कह सकते हैं कि कोरोना के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेरे साथ मैडम यहाँ पर मौजूद है, सिविल हॉस्पिटल से है। मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आज कौन सी उम्र के व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कहा गया था कि जो बुजुर्ग है 40 से ज्यादा की उम्र के हैं सिर्फ उनको ही लगवाई जा रही है। तो क्या कोई आम इंसान 40 से कम उम्र का भी आकर के यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकता है? नहीं लगवा सकता मैम, इधर 60 प्लस से ऊपर हैं जो उनको वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, जैसे 20 बीमारियां हैं उनके अंदर किसी बंदे को एक बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, आर्ट है, कोई और बीमारी एक भी है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा और तो ही वो अगर डॉक्टर अलाउ करेगा तो ही उसको वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज किन किन लोगों को वैक्सीन लगी है? 60 साल से जो ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगी है। ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को आज वैक्सीन लगी है, तो कोई भी आकर के वैक्सीन लगवा सकता है 60 से ऊपर वाला? यस मैम, उसको साथ में आधार कार्ड लाना, मतलब कोई भी आईडी ला सकता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया और साथ में अपना फोन नंबर। ठीक, तो अभी अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए। हनुमान दास। ठीक है हनुमान दास जी, आप ये बताइए कि अभी अभी आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक है, ये कोई डर वाली बात नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है, अभी तक ठीक है। हाँ। मैडम कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद आप लोग उनको 10 से 15 मिनट तक शायद यहीं पर रखते हैं, आधे घंटे के लिए बैठा के रखते हैं। ठीक है, आधे घंटे तक। यस मैम, आधे घंटे तक। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई ऐसा केस आया कि वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफेक्ट्स आए हों? नहीं मैम, हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो आपके पास जो लोग आते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? कहीं ना कहीं कोई लोग घबराते होंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? नहीं मैम, अच्छा कोऑपरेट करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं मैम। ठीक है, आप बताइए कितने लोग अब तक आ चुके हैं वैक्सीन लगवाने? 11 लोग आ चुके हैं। 11 लोग आ चुके हैं, हाँ जी। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है। मेरे साथ लोग यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है कई लोग मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मार्केट के अंदर आप लोग रहते हैं, मार्केट के अंदर ही इस तरीके से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, वैसे हम इतने से आलस कर रहे थे, आज पता लग गया तो हम उसी टाइम भाग के आ गए यहाँ लगवाने के लिए। मैंने लगवाया, 15 मिनट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने भी लगवाया है? हाँ जी।
15-20 आप लोग जितने बैठे आप सभी ने लगवाया है जी। ऐसा मैम, आपके चैनल के थ्रू हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी 60+ है, मार्केट के नज़दीक या इधर उधर रहते हैं, जो आपका ये देख रहे हैं चैनल, आज शाम 4-5 बजे तक लगेगा इंजेक्शन और कल भी लगेगा, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सब बैठे हैं आपके सामने लगवा करके, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। सर, आप लोगों ने लगवाई है, लेकिन आप में से कई लोग, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि 60 से ऊपर है। ऐसा है मैम, मैं भी लगवाने के लिए आया था, एसोसिएशन की तरफ से आए थे, पर मैं 60 का भी नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो देखेंगे जब 50+ आएगा तब लगवा लेंगे, पर लगवाएंगे जरूर हम इंजेक्शन। मेरे साथ गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, मुझे ये बताइए कि लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए? कहीं ना कहीं सभी कह रहे हैं कि हम घर पे ही रहकर ठीक हो जाएंगे। ऐसा है कि यहाँ आने से एक तो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लोग कई ऐसे हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी किसी के मन में भय है कि इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हैं, ये सब भरम फैला रहा जा रहा है, सीनियर सिटीजन को तो यहाँ आके लगवाना चाहिए। और यहाँ फ्रेश इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं, कोई पुरानी वैक्सीन नहीं है, जैसे 3-4 दिन पुरानी पड़ी हो वो नहीं हो रही। आपने लगवाया है टीका? मैंने लगवा लिया, मैंने CMC से लगवाया था, तो आज मेरा 22 दिन हो गए, 6 दिन बाद फिर मैंने 28 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, 28 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। 22 दिन के बाद क्या आपको कोई चक्कर जैसा महसूस हुआ हो या कोई और साइड इफेक्ट ऐसा लगा हो? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भूख ज्यादा लगने लग गई, पहले भूख कम लगती थी। तब कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद जहाँ कहीं ना कहीं अफवाह फैली हुई है कि लोगों के अंदर साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, वहीं राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान गौतम नारंग जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है उनके लिए तो ये फायदे की बात हो गई, उनको भूख ज्यादा लगने लगी है। तो सर भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार है जी, मेरी 60+ है और मैंने अभी लगवाई है, मुझे कोई किसी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आधा घंटा हो चुका है लगवाए हुए? 20 मिनट हो गए, चूंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी चक्कर वगैरह कोई दिमाग। पहला टीका था? हाँ जी, पहला टीका था जी। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जो 60 की उम्र के बाद के लोग हैं, यहाँ पर आकर के वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है? ये जी मोदी जी ने स्कीम बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, 60 से जो प्लस है उनको अपने आप आकर के टीका लगवाना चाहिए, ताकि ये बीमारी आगे ना फैले और कोई आगे बीमारी फैलने का कोई चांस ना रहे। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक बार मैडम यहाँ पर मौजूद है, अपना नाम बताइए पहले। मोनिका। मोनिका, मोनिका जी मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जिनको कोरोना हुआ है वही टीकाकरण करवाने के लिए आए, लेकिन जिनको कोरोना नहीं हुआ है क्या वो भी टीकाकरण करवाने आ रहे हैं? हाँ जी, सभी को करवाना है ये टीकाकरण। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पॉजिटिव आया सिर्फ उन्हीं के लिए, ये सिर्फ एक अफवाह है, सभी को टीके लगाए जाएंगे। आज सिर्फ 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन को लग रहे हैं, आगे फेस आएगा जब सभी को लगेगा। ठीक है, अच्छा 60 साल के लग रहे हैं, 60 साल के बाद कौन सी उम्र को लगने का जो है टारगेट बना लिया है सिविल हॉस्पिटल ने? अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आगे थर्ड फेस आना है, उसमें देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। जैसे अभी 60 अबो और 45 जो क्रोनिक डिजीज है सिर्फ उनका, नेक्स्ट टाइम जो होगा गाइडलाइन वो बता दी जाएगी। तो जिनके चालान काटे जा रहे हैं, कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, उनका भी टीकाकरण आप लोग ही कर रहे हैं? हाँ, अपनी आईडी लेके आएंगे जो और एलिजिबल है इंजेक्शन के लिए, उनको कर रहे हैं हम वैक्सीनेट। ठीक है, पहले जो है जो भी कोरोना का पेशेंट मिल रहा था उसको कंटेनमेंट जोन के अंदर रखा जा रहा था, अब दोबारा से गाइडलाइन आ गई है कि अगर हिसार वाले नहीं मानते हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। तो अब आप लोग जो पॉजिटिव आते हैं उनके घरों के अंदर जा करके उनको टीका लगा कर आ रहे हैं? नहीं, घर में नहीं, सिर्फ जो साइट फिक्स है या हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहीं पे लगाया जाए, किसी को घर में जाके नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बात सुनने में आई है कि आप लोगों के घरों के अंदर आकर के हेल्थ टीम टीका नहीं लगा रही है, अगर आप लोग पॉजिटिव आते हैं तो आप लोगों को खुद यहाँ पर आकर के टीका लगवाना पड़ेगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, सर आप मुझे ये बताइए कि टीकाकरण लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीका नहीं लगवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीका लगवाना अब कितना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब दोबारा से कोरोना का दूसरा फेस आ चुका है? मैडम, मैं तो आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा कि टीका लगवाना बहुत जरूरी है, इसके अंदर कोई नुकसान की बात नहीं है, आपके फायदे के लिए सरकार ने ये जो मुहिम चलाई हुई है, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उल्टा हम भी यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने आए थे, बट देखा कि 60 साल से ऊपर की जो उम्र है उनको लगाए जा रहे हैं,
45 से 60 साल की जो उम्र है उनको इन्होंने 20 बीमारियां दिखा रखी हैं, अगर उसमें से कोई एक बीमारी है तो उसका टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीन लग रही है, वरना उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया जो भी ये वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं अपना आईडी प्रूफ आधार कार्ड जरूर लेकर आएँ, क्योंकि आईडी के बिना यहाँ टीका नहीं लग रहा है, उनको दोबारा ना जाना पड़े। और 60 से ऊपर वाले जरूर से जरूर लगाएँ, ये आपके लिए बहुत ही सुरक्षा है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। आपने जैसे प्रधान जी से पूछा कि इंजेक्शन क्यों लगवाना चाहिए, बचाव में ही बचाव है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, सभी को यह टीका जरूर से जरूर लगवाना चाहिए। ठीक है, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आज यहाँ पर चलाई जा रही है। मैडम आगे भी कहीं पर चलने वाली है क्या? कल मैम से हमको मैसेज आएगा, लेकिन बता रहे हैं कल है इधर। ठीक है, हाँ जी। आज 22 मार्च है, पहले से ही बताया गया था कि आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी, उसी के तहत ये कार्यक्रम है। यस यस मैम। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी सीनियर सिटीजन को लगातार टीके लगते रहेंगे, लेकिन आपको बता देती हूँ कि 60 साल से उम्र वाले लोगों को ही यहाँ पर टीके लगाए जा रहे हैं। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो आपको यहाँ पर टीका नहीं लगाया जाएगा। हालांकि दूसरा फेज अभी जो है सिविल हॉस्पिटल की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद ही उनको जो है टीका लगाया जाएगा। सर आप ऐसे ही, मैं भी टीका लगवाने आया था, मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन मेरे को अब पूरा याद नहीं कि कोई दवाई मेरे को रिएक्शन करती थी। अच्छा। कोई एक साल्ट था जो मेरे को आज से 20-25 साल पहले कोई मतलब बीमारी रह चुकी है। वैसे तो मैंने स्टेंट लगवाया हुआ है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब जिसको कोई भी साल्ट या कोई भी दवाई रिएक्शन करती है उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा। ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस के अंदर क्या क्या साल्ट है हमें अभी पता ही नहीं है, डॉक्टरों को भी पता नहीं, तो ऐसा ना हो कि आपको रिएक्शन हो। हाँ। इसलिए कोई भी दवाई किसी को रिएक्शन करती है उसको तो इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। हाँ। जिसको कोई दवाई रिएक्शन नहीं करती वो आके इस दवाई को ले सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब हमारे 15-20 साथियों ने यहाँ टीका लगवा लिया, किसी को ऐसे पता भी नहीं लगा कि टीका लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि जो स्टाफ टीका लगा रहा है वो भी बड़े ढंग से टीका लगा रहा है, किसी को ये भी फील नहीं हो रहा कि मेरे को सुई भी लगी है। तो मेरी सबसे शहरवासियों से प्रार्थना है कि वो आके अपना टीका लगवा लें, और जो कोरोना के मरीज हैं वो टीका नहीं लगवा रहे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने शहरवासियों को इस बीमारी में धकेल रहे हैं, उनसे फिर हाथ जोड़ के अनुरोध कि वो जरूर आकर अपना इलाज करवाएं, ताकि शहर में ये बीमारी, हमारे देश में बीमारी दूर रहे। आपको पहले एक सॉल्ट रिएक्ट करता था, अब आपने टीका लगवाया या नहीं लगवाया? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, मैं लगवाने के लिए आया था, डॉक्टर साहब बोले अभी तक इसमें क्या क्या साल्ट है हमें पता नहीं, इसलिए हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेते। हाँ। किसी को कोई भी रिएक्शन करती है दवाई तो उसको ये टीका नहीं लगाया जाए। क्या जब टीका लगवाने के लिए आते हैं पहले इनसे ये पूछते हैं? पहले डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो सारी इंक्वायरी करते हैं, हर बंदे से पूछते हैं, पूरा सिस्टम पूछते हैं, कोई दिक्कत पहले कभी रही नहीं रही, कोई दवाई रिएक्शन करते हैं उसके बाद वो इजाजत देते हैं, तो ये स्टाफ आगे अपना काम करता, नहीं तो इंजेक्शन के लिए मना कर देते। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर किया है यहाँ पर, और साफ तौर के ऊपर बताया है कि जब आप यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आते हैं, अगर आप लोगों को पहले कोई बीमारी रही है तो वो भी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आपसे पूछेगी, अगर आप लोगों को पहले कोई जो साल्ट है वो रिएक्ट करता है तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पर टीकाकरण होगा। अगर आप लोगों को पहले ऐसी कोई बीमारी रही है, दवाई चल रही है, अगर वो सॉल्ट आपको पहले रिएक्ट करता है तो अब जो है ये कोरोना की वैक्सीन आपको नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि इसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट है। ये एक व्यक्ति ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, हिसार के राजगुरु मार्केट के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पंजाबी धर्मशाला के अंदर लगातार कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो यहाँ पर चल रही है। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, टीका लगवाना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टीके लगाए जा रहे हैं। चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी सिटी बिग न्यूज की तरफ से भी कि अगर आप लोग 60 ईयर से अबव है तो यहाँ पर जरूर आइए और अपना जो टीकाकरण है वो यहाँ पर करवा के जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 60 प्लस के बाद आप लोगों के शरीर के अंदर एंटीबॉडी कम बनती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टीकाकरण करवा कर जाते हैं तो कोरोना होने के चांसेस आप लोगों के अंदर कम हो जाएंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोगों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। आगे भी आपको दिखाती रहूंगी कि कहां कहां पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। जब तक आप जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। नमस्कार।